हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम DIY करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें चाहिए एक एम्प्टी बॉटल, और वो बॉटल है लाइज़ोल की। आप चाहे तो इसकी जगह पर कोई सिंपल ग्लास बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस बॉटल की बात की जाए तो फर्स्ट हमें इसके ऊपर कुछ इस तरह से मार्क करना है, और फिर कटर की हेल्प से हमें इसे कट करना है। इस पॉइंटेड कटर की हेल्प से ये बहुत ही अच्छे से नीटली कट होता है। अगर आप भी इसे बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। नाउ इसका स्टिकर रिमूव करके इसे अच्छे से क्लीन कर लें। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे बेस कोट, और बेस कोट करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ चॉक पेंट। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। और इसे अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ स्पॉन्ज। आप यहाँ पर स्पॉन्ज यूज़ कर सकते हैं, डैबर यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपली ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। 15 टू 20 मिनट्स में ये अच्छे से ड्राई हो जाता है, और इसके ऊपर आप जो भी ड्रॉ करना चाहते हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने जो यहाँ पर डिज़ाइन ड्रॉ किया है उसे मैंने फर्स्ट पेंसिल से ड्रॉ किया है, और अब हम इसमें कलर फिल करेंगे। आप अगर ड्रॉ करने में परफेक्ट नहीं है तो आप सिंपली इसके ऊपर ट्रेस भी कर सकते हैं। नाउ इनमें जो हम कलर फिल करेंगे वो आप चाहे तो चॉक पेंट यूज़ करें, या फिर आप एक्रिलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। जब एक बार कलर फिल कर देते हैं तो उसके बाद में ब्लैक एक्रिलिक कलर की हेल्प से आप इस तरह से आउटलाइन ड्रॉ करें, और उसकी जो भी हाइलाइट्स है उसे कंप्लीट करें। यहाँ पर मैंने 00 नंबर का ब्रश यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पर 000 नंबर का ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। जितना बारीक ब्रश होगा उतना ही आपका फाइन वर्क दिखेगा। नाउ हम पेंट कर रहे हैं सम स्टोन्स ग्रास। आप चाहे तो यहाँ पर 3D लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आप क्ले से आप इस तरह से स्टोन्स बना सकते हैं, और ग्रास भी आप बना करके स्टिक कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्ले से स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स बना करके भी स्टिक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको जो भी मैसेज लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ये जो DIY हम कर रहे हैं उसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप राखी पर अपने भाई या बहन को भी गिफ्ट कर सकते हैं। और जब एक बार कलरिंग वाला वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उसके ऊपर वार्निश अप्लाई कर दें। एंड जब वार्निश ड्राई हो जाता है तो आप इस तरह से डेकोरेटिव लेस की हेल्प से इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर कोई बॉर्डर डिज़ाइन हो वो भी बना सकते हैं, या फिर स्टोन्स स्टिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स स्टिक कर रही हूँ। आपके पास अगर इस तरह का कोई टैग रखा है तो उसे कट करके कुछ इस तरह से मैसेज लिख के उसको इसके ऊपर स्टिक कर दें। नाउ टर्न आता है बैक साइड का, तो मैं यहाँ पर शार्पी मार्कर की हेल्प से कुछ हैशटैग लगा रही हूँ। ये जो मार्कर है वो परमानेंट मार्कर है। इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आप इसे अगर राखी पर गिफ्ट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप हैशटैग चूज़ कर लें, और मैसेज भी उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लें। ये DIY आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये पसंद आया तो, और डिसलाइक कर देना अगर आपको ये पसंद नहीं आया है तो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसे आप गिफ्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से अच्छे से फ्रेश फ्लावर्स रख के, या फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड का कोई फेवरेट प्लांट रख करके, या फिर आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं एज अ टेबल ऑर्गेनाइज़र। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।